अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो पर मध्य प्रदेश के पति पत्नी ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया। 19 डिग्री के जमा देने वाले तापमान में दंपति ने सूर्य नमस्कार कर दुनिया को योग और भारत की संस्कृति का संदेश दिया। पति पत्नी रतलाम के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पहाड़ है। यह अफ्रीका के तंजानिया में है। इसकी ऊंचाई 19,341 फीट है। किलिमंजारो तीन अलग अलग इनएक्टिव ज्वालामुखियों कीबो, मावेंजी और सीरा से मिलकर बना हुआ एक संयुक्त पहाड़ है। रतलाम के अनुराग चौरसिया बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉय हैं। उनकी पत्नी सोनाली परमार राजस्व विभाग में पटवारी हैं। अनुराग और सोनाली ने 12 सितंबर को रात 11 बजे पहाड़ चढ़ना शुरू किया था। -15 डिग्री से -20 डिग्री के तापमान का सामना करते हुए दोनों ने 13 सितंबर की सुबह 6 बजे किलिमंजारो की चोटी फतह की। दंपति ने पर्वतारोहण का जुनून ऐसा है कि 2 साल के बेटे रुद्रांजे को माँ के पास छोड़ आए थे। दक्षिण अफ्रीका की बेहद कठिन चुनौती माने जाने वाले किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले अनुराग और सोनाली पहले भारतीय दंपति हैं। हम लोगों ने किलिमंजारो पर राष्ट्र देश का राष्ट्रीय ध्वज फतह कर सूर्य नमस्कार कर और राष्ट्रगान गाकर एक नया इतिहास रचा है। चढ़ी चढ़ाई और अलग अलग पड़ाव थे। पहले तो बहुत रेत जैसा था कि बार बार स्लिप हो रहे, अगर आप जरा सा स्लिप होते हो तो नीचे चला जाते हो। ठंड लगभग -15 से -20 डिग्री का टेम्परेचर था। जय हिंद, भारत माता की जय। हम भारत की पहली दंपत्ति के रूप में स्थापित हुए और इतनी ऊंचाई पर जहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और माइनस में टेम्परेचर होता, हमने वहां पर सूर्य नमस्कार किया। मेरी पत्नी थी सोनाली परमा और जो हमने 7 वचन दिए थे एक दूसरे के साथ निभाने के, हम 7 एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़े, तो ये हमारे सबसे अच्छी बात थी।